4th जनवरी 2022 साकार मुरली। मीठे बच्चे खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है, मियां मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना नहीं है। प्रश्न, कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहो, इस बात से कभी रंज नाराज नहीं होना है। उत्तर, सिमरन करो, हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे, सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। हम जाते हैं अपने सुख धाम वाया शांति धाम, वहां सब फर्स्ट क्लास चीजें होंगी, तन भी बहुत सुंदर निरोगी मिलेगा। यहां अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना है, दवाई करनी है। गीत, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए, दुनिया में प्रीत बनी है मिट जाने के लिए। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है, भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। जिन्होंने गीत बनाया है वह तो इन बातों को जानते नहीं। तुम अब बेहद बाप के बच्चे बने हो, तुम बेहद बाप के बच्चे भी हो तो पोत्रे पोत्रियां भी। ऐसे और कोई बाप नहीं कह सकता कि तुम हमारे बच्चे भी हो तो पोत्रे पोत्रियां भी हो। यहां यह वंडर है, हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा का एक बच्चा ब्रह्मा साकार में, इसलिए हम पोत्रे पोत्रियां भी बनते हैं। बेशुमार बच्चे हैं, सब बच्चे एक बाप के हैं। तुम अब पोत्रे पोत्रियां भी बने हो वर्षा लेने के लिए, और कोई तो वर्षा ले नहीं सकते। अगर सभी पोत्रे पोत्रियां बन जाएं तो सब स्वर्ग का वर्षा ले लेवे, ऐसे तो हो न सके, इसलिए कोटो में कोई ही पोत्रे पोत्रियां बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए तो समझाया जाता है कि ब्रह्मा को जरूर अडॉप्ट करना पड़े। एक अडॉप्शन होती है या फिर है प्रवेश होने की बात। बच्चे कहते हैं हम पोत्रे और पोत्रियां भी हैं, यह बात कोई और कह न सके। कि बच्चे अपने स्वीट होम को याद करो, यह किसको कहते हैं कि अपने स्वीट होम को याद करो? आत्माओं को कहते हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है, ऐसा कोई कह न सके कि हम आत्माओं से बातें करते हैं। आत्मा सुनती है, बाप कहते हैं मैं जो परमपिता परमात्मा हूं सो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको सिखलाता हूं, नहीं तो कैसे समझाऊं? मुझे आना भी ब्रह्मा के तन में है, नाम भी ब्रह्मा ही रखना है, तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाओ। उन ब्राह्मणों से पूछो तुम ब्रह्मा की संतान कैसे हो, तुमको बता न सकें, कहेंगे हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, परंतु है तो कुख वंशावली। कहते हैं मुख वंशावली थे, अब कुख वंशावली बने हैं, अब ऐसे तो नहीं ब्रह्मा के कुख वंशावली होंगे। ये तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं, बाप कभी रॉन्ग बात नहीं सुनाएंगे। बाप तो सत्य है, हम सत्य बन रहे हैं, तो अपने को मियां मिट्ठू नहीं समझना है। ये दादा भी कहते हैं जब तक परिपूर्ण न बने तब तक कुछ न कुछ हो सकता है, परंतु तुम्हारा काम है शिव बाबा से। मनुष्य तो कुछ भी भूले कर सकते हैं और उससे तुम्हारी खितपित हो सकती है,
परंतु बाप से तो वर्षा लेना है ना। बहुत बच्चे बाप से भी रूठ जाते हैं। अगर कोई भाई बहन ने कुछ कह भी दिया, परंतु शिव बाबा की मुरली तो सुनो ना, घर में बैठे रहो, परंतु बाप का खजाना तो ले लो। खजाने के बगैर तुम क्या करेंगे? ब्राह्मणों के संग में भी जरूर आना पड़े, नहीं तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। सत्संग तारे कुसंग बोरे, हंस जाकर बगुलों के साथ रहते हैं तो सत्यानाश हो जाता। खिवैया एक ही बाप को कहा जाता है, बाकी डुबोने वाले तो अनेक हैं। कोई भी मनुष्य अपने को खिवैया अथवा गुरु नहीं कहला सकते। इस आसार संसार विषय सागर से निकाल स्वीट होम में ले जाने वाला एक ही बाप है। वो कहते हैं सुख धाम, शांति धाम और दुख धाम, ये तीन धाम हैं। तुमको इस दुख धाम से निकल शांति धाम में जाना है। इस दुख धाम को आग लगनी है, ये दुख का भंभोर है। इसमें कुंभकर्ण जैसे भ्रष्टाचारी मनुष्य रहते हैं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, पतित पावनी गंगा को तो बुलाने की बात ही नहीं। वे तो अनादि है, स्वर्ग में भी तो होगी ना। तो अगर यह गंगा पतित पावनी हो तो फिर सभी पावन ही बन जाएं। कुछ भी समझते नहीं, अभी तुम बच्चों को समझाया है तो समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि बच्चों में खामियां हैं, अशुद्ध अहंकार काम क्रोध हर एक में है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए कि हमारे में क्या क्या खामी है। बाप को बताना चाहिए, बाबा मेरे में यह खामी है। नहीं बताते तो वह खामी वृद्धि को पाती जाती। ये कोई श्राप नहीं देते, परंतु एक लॉ है, खामियों का दान देकर फिर कोई भूल हो जाए तो बताना चाहिए, बाबा हमने यह भूल की, फलाने चीज की चोरी की। शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ मिलता है, अविनाशी ज्ञान रत्न भी मिलते हैं, तो शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ मिलता है। बुद्धि की खुराक, शरीर की खुराक, सब कुछ मिलता है। फिर भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हैं। अगर बगैर पूछे कुछ उठाएंगे तो तुमको देख और भी ऐसे करेंगे। मांग कर लेना ठीक होता है। जैसे बच्चे बाप से जो कुछ मांगते हैं तो बाप दे देते हैं ना। साहूकार होगा कुछ मंगा देंगे, अच्छा गरीब क्या करेगा। यह तो शिव बाबा का भंडारा है, कोई चीज चाहिए तो मांग सकते हो। यथा योग्य सबको मिलना ही है। बाबा मम्मा और अनन्य बच्चे रीस नहीं करनी चाहिए। बाबा भी महिमा करते हैं, फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, तो तुम बच्चों को भी उनका रिगार्ड रखना चाहिए। सारा मदार ज्ञान और योग पर है। सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ति से चलते हैं, जानते हैं ये बरोबर हमसे ऊंच हैं, तो उनको रिगार्ड से देखना चाहिए। फीमेल्स भी कोई आप जिसको पैराडाइज कहते हैं वह गार्डन ऑफ फ्लावर है। वहां तो जरूर अच्छे फरिश्ते होंगे। यह कांटों का जंगल है, जंगल में कांटे और जानवर भी रहते हैं। यह बाबा तो कोई को कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे तो नहीं कह सकते। अब पैराडाइज स्थापन हो रहा है, यह आईनेज है।
गार्डन ऑफ अल्लाह की स्थापना होती है। सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह और कलयुग कांटों का जंगल। यह बातें बड़ी समझने की हैं। तकदीरवान ही अच्छी तरह समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी राय देते हैं तो 5 विकारों पर जीत पानी है। इससे विदाई तो अंत में होनी है। तब तक जब तक विदाई ना हो तब तक कुछ ना कुछ खामियां रहती हैं। उनको हटाने का पुरुषार्थ करना है, देही अभिमानी बनना है, याद करना है शांति धाम और सुखधाम को तो खुशी रहे। हम सुखधाम में जाते हैं वाया शांति धाम, तब तक सारी सफाई हो जाएगी। फिर स्वर्ग में हर चीज फर्स्ट क्लास मिलेगी। हीरे जवाहरों के महल आकर बनाएंगे, यह करेंगे। तुमको भी यह बुद्धि में रहता है, हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं अपनी राजधानी स्थापन करने। फिर शिव बाबा के साथ चले जाएंगे, हम राजयोग सीख रहे हैं। फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। महल तो बनाने पड़ेंगे ना। ये बातें अंदर सिमरन कर बहुत खुशी होनी चाहिए। खामियां तो बहुत हैं, दे अभिमान में बहुत आते हैं। ये पिछाड़ी का पुराना चोला है, नया चोला सत्युग में मिलेगा। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान के साथ मिलने के लिए। भक्ति की ही जाती है एक भगवान से मिलने के लिए या उस अनेकों से मिलने के लिए। भक्ति की भक्ति भी एक की करनी होती है, फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। फिर तुम जन्म जन्मांतर गुरु करते हो, पुनर्जन्म लिया फिर दूसरा गुरु करना पड़े। अब बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ, वहां तुमको जन्म जन्मांतर गुरु करने की दरकार नहीं रहेगी। अव्यभिचारी भक्ति के बाद व्यभिचारी भक्ति बननी ही है, क्योंकि अभी है उतरती कला। तो बाप कहते हैं बच्चे अब घर चलना है। मेरे लिए गाते हैं लिबरेटर, खिवैया, बागवान। स्वर्ग है ही फूलों का बगीचा, फिर खिवैया चला जाएगा। सब तो स्वर्ग में नहीं आएंगे ना, पहले पहले जो भी आते हैं उनके लिए जैसे कि गार्डन ऑफ अल्लाह है, बहुत सुख भोगते हैं। अल्लाह ही सबको सुख देते हैं। यह तो कोई भी कहेंगे कि सत्युग गार्डन ऑफ अल्लाह था, भारत ही प्राचीन खंड था। अब जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य करते थे उस समय सब आत्माएं स्वीट होम में थी, जिसके लिए ही भक्ति करते हैं कि मुक्ति में जाएं। जीवन मुक्ति देने वाला तो गुरु गोसाई नहीं, शिव बाबा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अभी यह है दुख धाम, बम्बोर को आग लगनी है। लाखों वर्ष का कल्प होता नहीं, लाखों वर्ष समझ कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अभी ईश्वर ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को भी जगाना है। सर्विस बिगड़ तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। तो बच्चों पर बाबा को रहम आता है कि पूरा वर्षा नहीं पाते हैं। बाप तो सबको पुरुषार्थ कराएंगे ना, क्यों ना तुम बाबा की विजय माला में पिरोए जाओ। बहुत सहज, किसको भी समझाना है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा दुख धाम का विनाश, अब सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करना है। लेकिन सुख धाम को कोई भी जानता नहीं, अगर जानते हो तो वहां पहुंच जाएं। कोई जानते नहीं तो पहुंच भी नहीं सकते, पंख टूटे हुए हैं। तुम बच्चे काल पर विजय पाते हो, कालों का काल बाप ही आकर
काल पर विजय पहनाएंगे। तो ये सब धारणाएं कर पतितों को पावन बनाना है से प्रभावित होकर जाएंगे तो उसे क्या फायदा होगा। बाबा कहते हैं पूरा रंग तब चढ़े जब 7 दिन का कोर्स करें। कोई कोई बच्चे चलते चलते ब्राह्मणी से भी रूठने के कारण फिर शिव बाबा से भी रूठ पड़ते हैं। भगवान से रूठना क्या यह अक्लमंदी है? औरों से भी रूठे तो रूठने दो, मेरे से रूठे तो मुर्दा बन जाएंगे। शिव बाबा से तो न रूठो, खजाना लेते रहो, धन दिए धन ना खूटे। संग बिचाइए ब्राह्मण कुल में तो बहुत क्षीरखंड होने चाहिए, बच्चों को बहुत क्षीरखंड होकर रहना है। धूतिया और धूते भी होते हैं ना, धूतिया अर्थात पर चिंतन करने वाले, उनसे बहुत संभाल करनी चाहिए। बाप समझाते हैं बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, डूबे हुए को बाहर निकालना है, इसमें भी चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाते हैं, तुम फिर अपने बच्चों को उठाओ, जिये दान दो, पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाप देते हैं, जीते जी मरकर वर्षा पाना है। बाबा हम आपका हूं, आपके ही थे, फिर आपका ही बना हूं, आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। इस दुखधाम के बंभोर को आग लगनी है, हम सुखधाम में जा रहे हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए सार में पहला पॉइंट है, जो ज्ञान योग में तीखे हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है। आप कहे बात करनी है, आपस में कभी रूठना नहीं है। दूसरा, ब्राह्मण कुल में बहुत बहुत क्षीरखंड होकर रहना है, धूतेपन पर चिंतन से अपनी संभाल करनी है, सत्संग जरूर करना है। वरदान, डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय है। उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट, थोड़ा भी बोझ होगा तो नीचे ले आएगा, चाहे अपने संस्कारों का बोझ हो, वायुमंडल का बोझ हो, किसी आत्मा के संबंध संपर्क का बोझ हो, कोई भी बोझ हलचल में लाएगा, इसलिए कहीं भी लगाव न हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित न करे। जब ऐसे आकर्षण मुक्त डबल लाइट बनो तब संपूर्ण बन सकेंगे। स्लोगन, स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानी करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, बाप के प्यार में ऐसे समा जाओ जो मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाए। नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाए रहो तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मगन हो जाते हो तब बाप के समान बन जाते हो। ओम शांति।